तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस पी ऑटो पार्ट्स में। फ्रेंड्स, हम आपको इस वीडियो में बताने वाला हैं दोस्त, हम एक ऐसे लिमिट यानी कि स्पीड लिमिट एक बटन लगाएंगे, जैसे देख पा रहे कुछ इस टाइप का। तो दोस्त, हम एक बटन लगाएंगे यानी कि जब हम बटन दबाएंगे तो दोस्त हमारा जो है जो हमारा स्पीड मीटर जैसे देख पा रहे यहाँ पे है, तो दोस्त 50-55 यानी कि 55 के आगे आपकी बाइक नहीं भागेगी। तो दोस्त उसको कैसे बनाएंगे बिल्कुल इजीली आसान तरीके से मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, बने रही वीडियो पे। तो चलिए दोस्त वीडियो को शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करो हमारे यूट्यूब चैनल एस पी ऑटो पार्ट्स को, बेल आइकन को दबा के कर लो ऑल बाइक के रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको इस टाइप का जैसे देख पा रहे स्विच ले लेना है। एक्चुअली में दोस्त आप 30 या 40 रुपये मिल जाएगा किसी स्पेयर पार्ट की दुकान पे। एक्चुअली दोस्त इसको ज़रूरत पड़ेगा आपको, और एक दो वायर की ज़रूरत पड़ेगी कुछ इस टाइप में जैसे देख पा रहे हैं। एक्चुअली दोस्त कोई सा भी वायर लेना कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्त मैं दो वायर ले लिया हूँ जो वायरिंग वाले होते हैं। तो दोस्त उसके लिए हम स्पीड लिमिट बटन लगाने के लिए दोस्त आपको क्या करेंगे, जो हमारा लेफ्ट साइड का जो हमारा वो होता है साइड पैनल, उसको खोल लेना है। और दोस्त यहाँ पे जो हमारा कॉइल से आया हुआ जो तार है, जैसे देख पा रहे दोस्त हमारा जो कॉइल से आया हुआ तार है, एक्चुअली में दोस्त ये जो वायर है इसको निकाल लेना है। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ इस टाइप का जो हमारा होता है मैग्नेट से जो साइड से आया हुआ वायर दोस्त उसको निकाल लेंगे। तो दोस्त एक्चुअली में मैं निकाल लिया हूँ। और दोस्त यहाँ पे जैसे देख पा रहे कुछ इस टाइप का जो वायर लगा हुआ कार्बोरेटर में दो वायर लगे होंगे जैसे देख पा रहे हैं, दोस्त इसको निकाल लेंगे ये दोनों तार को। तो फ्रेंड्स हमारा जो ये है दो, एक्चुअली मैं दोनों निकाल लिया हूँ। अब दोस्त आपको दो वायर की ज़रूरत पड़ेगी। तो फ्रेंड्स कुछ इस टाइप का वायर ले लेना है। एक्चुअली में दोस्त कोई सा भी वायर चलेगा, वायरिंग यानी कि थोड़ा मजबूत रहेगा तो अच्छा रहेगा। तो दोस्त इसमें में हम लगा देंगे। तो चलिए दोस्त फटाफट लगा लेते हैं। जैसे देख पा रहे दोस्त दोनों वायर लगा रही हूँ। अब दोस्त ये दोनों वायर है एक्चुअली दोस्त हमें ये जो ये हमारा आया हुआ है जैसे देख पा रहे दोस्त कुछ इस टाइप का जो वायर है दोस्त इसमें हम लगा देंगे एक एक वायर। तो चलिए दोस्त एक एक वायर लगा लेता हूँ। जैसे देख पा रहे मैं एक वायर जो था मैं लगा लूंगा। एक्चुअली मैं दोस्त इसको क्या करूंगा, टेप लगा लूंगा। तो फ्रेंड्स आप भी टेप लगा लीजिएगा, क्योंकि दोस्त मैं जो वहां से लगाया था वो उसको निकाल दिया हूं, क्योंकि दोस्त यहां पे वायर लग नहीं रहा था इसीलिए। अब दोस्त जो हमारा एक वायर बचा है तो दोस्त उसको क्या करेंगे, जस्ट इसमें ऐसे डाल देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, हम कोई से भी ऐसे लगा देंगे ताकि इसमें टाइट रहे। तो दोस्त कुछ इस टाइप का लगा लेना। अब दोस्त का हमारा बचता है जो एक वायर, दोस्त उसको हम क्या करेंगे इसमें लगा देंगे। तो दोस्त बिल्कुल इजीली दोस्त लगा पाओगे, आप घर पे भी कर सकते हो। दोस्त कुछ इस टाइप के जैसे देख पा रहे हमारा जो कनेक्शन था वो हो चुका। अब दोस्त जो हमारा ये अब दोस्त हमारा जो एक स्विच है जो मैं बोला हूँ स्विच लेने के लिए दोस्त आपको स्विच की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्त मैं एक्चुअली में क्या करूँगा, इसमें दो वायर हैं तो दोस्त एक वायर हम जस्ट इसमें लगा देंगे, एक बार उसमें लगा देंगे। दोस्त इसमें कोई सा भी वायर लगा लीजिएगा कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इसमें लगा लेता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा जो वायरिंग था एक बार और बता देता हूँ, जो इसमें जैसे ब्लू कलर है इसमें पीले कलर का पट्टी है, ये दोस्त हमारा कॉइल से आया हुआ तार है। दोस्त इसमें हम यानी कि हमारा दो पॉइंट हो जाता है, जब इसको हम निकाल देते हैं अलग अलग तो दोस्त हमारा दो पॉइंट हो जाता है। दो पॉइंट में यानी कि दो तार लगाएंगे। अब दोस्त हम लगा देंगे इस चीज़ में जो हमारा कार्बोरेटर की जो हमारा वायर आया हुआ है दोस्त इसमें लगा देंगे। तो दोस्त ये हमारा वायर लग गया है। अब दोस्त हमारा जो ये स्विच है तो दोस्त इसमें एक वायर इसमें लगा देंगे। तो इसको लगाने के बाद में दोस्तों आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से टैपिंग कर लेना है ताकि दोस्त हमारा शॉर्ट सर्किट ना हो, क्योंकि दोस्त हमारा शॉर्ट सर्किट होता है तो हमारा जो फ्यूज होता है वो यानी कि आपको सेफ्टी रखना है, टेप लगा देना।
तो फ्रेंड्स हम टेप लगाने देंगे, तो चलिए फटाफट टेप लगा लेते, फिर हम आपको दिखाता दोस्त इसका कमाल। तो फ्रेंड्स इसको क्या करेंगे, हमारा जो वायरिंग था उसको कंप्लीट हो चुका है। अब इसका जो हमारा जो स्विच है इसको हम लगा देंगे हैंडल बार में। और दोस्त इसका जो कनेक्शन था मेरा पूरी टोटली हो चुका, तो इसको हम क्या करेंगे फटाफट इसको पैकिंग कर लेंगे। तो साइड पैनल जो था सारा साइड पैनल वगैरह सारा कुछ लगा देंगे। तो चलिए फटाफट लगा लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारा जो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, मैंने साइड पैनल लगा लिया दोस्तों, हमारा जो भी सारा कवर था मैंने लगा दिया हूँ। अब दोस्त मैं दिखा दूँ, ये हमारा जो मैं जो स्विच लगाए हैं दोस्त यहाँ पे लगाए हैं, कुछ यहाँ पे लगा लीजिएगा। अब दोस्त मैं आपको ट्राई मार के दिखाता हूँ एक बार कि कैसे करता है, काम कैसे करता था। इसको दोस्त मैं पहले चालू करके इसको दिखाता हूँ, उसके बाद मैं इसको चला के दिखाता हूँ। तो दोस्त मैं हम चालू करेंगे, तो दोस्त जैसे कि आपको देख पा यानी कि सुन पा रहे होंगे, इसकी जो हमारा इंजन का स्पीड है दोस्त पूरा ले रहा है, इंजन का जो स्पीड है पूरा ले रहा है। अब दोस्त हमारा क्योंकि हमारा जो स्विच है वो हमारा जो स्विच है दोस्त यानी कि बंद है, तो दोस्त इसको हम चालू करके दिखाता है कैसे वर्क करता है। जैसे देख पा रहे दोस्त हमारा बंद होने की पोजिशन में आ रही है, जैसे देख पा रहे। अब दोस्त मैं आपको चला के दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। बारे में ट्राई ले रहा हूँ, तो दोस्त हमारा जो बटन है दोस्त एक्चुअली में बंद है। अब दोस्त मैं आपको इसको यानी कि ऑन करके दिखाता हूँ कैसे वर्क करता है। तो दोस्त मैं हम ऑन कर लिया हूँ, मैं दोस्त आपको पूरा इंसुलेटर लेंगे, तो इंसुलेटर लेंगे। तो दोस्त हमारा जो स्विच है उसको हम ऑन कर देंगे। बना सकते हैं हमारा जो स्विच है जैसे ऑन है, इसीलिए दोस्त हमारा काम कर रहा है जैसे देख पा रहे हैं। मैं आपको फिर से दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्त तो फ्रेंड्स अगर जो जिस टाइप से मैं बनाया हूँ अगर दोस्त आप भी बनवा सकते हो बिल्कुल आसान तरीके से। एक्चुअली में दोस्त ये हमारा जो है बाइक यानी कि जिसमें ये वाला TPS सेंसर लगा होगा दोस्त उसमें ही सिर्फ वर्क करेगा। तो दोस्त यानी कि TPS सेंसर जिसमें लगा है वो वर्क करेगा और उसमें बिल्कुल ईजीली लगा सकते हो। तो दोस्त इसमें आपको आप देखें जैसे कि यहाँ पे यानी कि 40-45-50 के ऊपर यानी कि हमारी बाइक है वो नहीं जा रहा था, क्योंकि दोस्त हमारा जो स्विच लगाया हूँ उसको जब हम ऑन करते थे दोस्त हमारा जो बाइक है यानी कि 40-45-50 के ऊपर से ऊपर यानी कि नहीं जा रहा था। तो दोस्त ये उसके लिए है बेस्ट कि जो जो दोस्त वो बिल्कुल स्पीड में भगाते हैं बाइक को, यानी कि दोस्त अगर जो किसी को देना है तो दोस्त उसको यानी देना है और वो दोस्त बाइक को ज़्यादा भगाता है, तो दोस्त उसको क्या करना है अपनी स्विच को ऑन कर देना है और उसके बाद भी उसको देना है। यानी कि दोस्त वो सोचेगा कि हम 50 से ऊपर 70-80-90 की स्पीड में अगर जो लेके जाएँ तो दोस्त वो नहीं ले जा सकता, क्योंकि दोस्त इससे वो नहीं चलेगा, क्योंकि दोस्त हमारा 40-45-50 के स्पीड ही तक चलेगा, 50 के स्पीड तक चलेगा। बिल्कुल आसान तरीके से आप भी इसको बना सकते हो। दोस्त वर्क उसमें ही करेगा जिस पे TPS सेंसर लगा होगा, थ्रोटल पोजीशन सेंसर इसको बोला जाता है, दोस्त उसमें ही ये वर्क करेगा। तो आई होप दोस्त ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्त ये वीडियो आपको कैसे लगा। और दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा के कर लेना ऑल, क्योंकि दोस्त मैं ऐसे बाइक के रिलेटेड नॉलेजफुल वीडियो और हमेशा लाता रहता हूँ। तो चलिए दोस्त मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।